हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी मोनू नेचर लवर्स। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक है मनी प्लांट को ग्रो कैसे करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में सिर्फ मनी प्लांट की कटिंग को लेके। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसकी कटिंग से इसको ग्रो कैसे किया जाता है। जैसे कि देखा आपने, मैंने यहाँ से ये मनी प्लांट का एक हिस्सा कट कर लिया है। अब मैं इसको चलती हूँ दूसरे प्लांट में शिफ्ट करने के लिए। सो फ्रेंड, देखिए मैंने ये कटिंग ले ली है मनी प्लांट की। अब मैं आज आपको दिखाऊंगी कि इसको ग्रो कैसे करते हैं सिर्फ इसकी एक कटिंग से। अगर आप चाहें तो इसको, ये पूरा जो हम लोग ने इसकी कटिंग ली हुई है, इसको आप ये पूरा भी ऐसे डाल के ग्रो करा सकते हैं। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं है तो आप थोड़ा सा, फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि जो बिगनर्स हैं अभी इस लाइन में, उनको अभी थोड़ा पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्लांटिंग बहुत ही पेशेंस का वर्क है। इसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। सो इसके लिए मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें ये रूट निकले हुए हैं यहाँ से। अब जो भी फ्रेंड्स मेरे बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इसको यहाँ का ये रूट पूरा यहाँ तक ये मिट्टी के अंदर होना चाहिए, इतना पूरा मिट्टी के अंदर होना चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ये है, तो इसको सिर्फ ऐसे करके नहीं लगा देना है, क्योंकि इसकी जो, अगर ऐसे करके आप सीधे मिट्टी में डायरेक्ट अगर लगाते हैं तो ये डेवलप नहीं करता है, ये ग्रो नहीं करता है, बिकॉज इसका जो रूट है वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए। ये यहीं से इसका ये पूरा रूट निकलेगा, यहीं से इसकी जड़ी निकलेंगी और ये ग्रो करेगा। सो फ्रेंड्स, जो बिगनर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है, कि मनी प्लांट को के एक प्लांट से कटिंग करके कैसे ये ग्रो किया जा सकता है। सो आप देख रहे हैं 1 और 2, इतना पार्ट इसका मिट्टी के अंदर होना चाहिए। सो देख सकते हैं आप, जैसे कि ये है, मैं फिर से कहूंगी कि इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ये नीचे की लीव्स, इसको कट कर देना है और ये देख रहे हैं ऐसे कट करना है इसको, दिख रहे हैं ये, इसको यहाँ से कट कर देना है। क्या
बहुत लोग सोचते हैं कि बस इसको ऐसे ही लीफ ऐसे इसकी अगर हम लोग मिट्टी में लगा देंगे तो ये डेवलप कर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसके कम से कम टू रूट, कम से कम ये 4-5 इंचेस जो है मिट्टी में ऐसे गड़ा हुआ होना चाहिए, और इसके रूट भी गड़े हुए होने चाहिए। यहीं से इसकी जड़ें निकलती हैं, तब ये प्लांट ग्रो करता है। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि जैसे मैंने ये इसका फर्टिलाइजर मैंने ये तैयार करके रख लिया है पहले से ही। इसे मैंने सैंड मिलाया हुआ है, अर्थ सॉइल मिलाई हुई है, और इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मैंने डाला हुआ है। सो इसका फर्टिलाइजर तैयार रखा है मैंने। सो मैं इसको यहाँ इस प्लांटर में फिल करूँगी पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रेंड्स, मनी प्लांट ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग से हम कई प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बहुत बहुत ही इजी टू ग्रो है और बहुत ही आसान तरीके से इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। सो फ्रेंड, मैंने ये वीडियो स्किप कर दिया था। सो आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा ये मिट्टी इसकी भर चुकी है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये कम से कम इतना हिस्सा मिट्टी के अंदर होना चाहिए। ये इतना हिस्सा जिससे ये ग्रो अच्छे से करेगा, इसके रूट अच्छे से निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मैं इसको कैसे लगा रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मिट्टी मैं और डाल रही हूँ ऊपर से। और ये बहुत ही जल्दी इम्प्रूव करता है, बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। ऐसे करके फ्रेंड्स, आप एक प्लांट से मनी प्लांट के कई प्लांट बना सकते हैं, सिर्फ मनी प्लांट की कटिंग करके। सो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं कि ये वीडियो कैसे लग रहा है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये कुछ ही दिनों में ग्रो करेगा, और इससे ऐसे ही प्लांट मैंने कई तैयार किए हैं। एक ही मनी प्लांट के प्लांट से मैंने कटिंग लेके ऐसे ही ढेर सारे प्लांट्स मैंने तैयार किए हुए हैं, और वो बहुत अच्छे से ग्रो भी किए हैं। और देखिए, ये मेरी बेटी ने मुझे दिया है ये पॉट, और कहा है कि मम्मा आप इस पे लगा देना। तो मैंने उसके लिए भी ये एक प्लांट तैयार किया हुआ है, और ये भी बहुत अच्छे से फिर
2-4 दिन बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।